Good morning friends and welcoming to the 17th day of this ride Ladakh 2019. अभी ये count थोड़ा थोड़ा याद रहने लग गया है after all. दो वीक से ज़्यादा हो गए तो थोड़ा बहुत डे काउंट है अभी अपने पास. एनीवेज कल मैंने कहा था कि हम माहे पहुँचने के बाद रुकेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे. लेकिन माहे में एक जिंदा आदमी भी नहीं दिखा. शाम को 7 बजे सब सो रहे थे. तो फिर हम बिना रुके आगे निकल गए, न्योमा पहुंच गए. न्योमा में भी सेम सिचुएशन. फॉर्चुनेटली हमें ये होम स्टे मिला और वो मिला थैंक्स टू BSNL. नेटवर्क था, एक छोटा सा बोर्ड दिखा, उस पर नंबर लिखा हुआ था, कॉल किया, उन्होंने उनके पास फुल था तो दूसरा होम स्टे दिखाया खुद आके और यहाँ पे हमें रहने की जगह मिली. एनीवेज कल शाम को यहाँ पहुँचने में तकरीबन हमें 8:30-9 बज गए थे थैंक्स टू दिस. हमारी प्यारी ब्यूक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया था कल. नारंगी ब्यूक ने हमारी नारंगी. अच्छा एक पैर फ्रैक्चर नहीं, ये पैर फ्रैक्चर हो गया और दूसरे पैर में ये देखो ये ब्रेक लीवर वो पार्टी गायब हो गया. लीवर किधर है पता नहीं. मतलब एक पैर टूट गया, दूसरे पैर की सिर्फ उंगली टूट के हाथ में आ गई. कल के दिन में 3 बार योगेश कल का दिन आपके नाम. कैसा लग रहा है लद्दाख के बाहर आके मजाक. एनीवेज टुडे इज 24th of September 2019. ऑफ कोर्स एक साल से ज्यादा की राइड करने की परमिशन नहीं है, कमाना भी पड़ता है, तो 2019 ही चल रहा है. 10:30 बज रहे सुबह से, ये प्लास्टर का जो काम चल रहा था अभी जाने के बाद योगेश जॉनसन एंड जॉनसन छोड़ के खुद का क्लिनिक चालू करने वाला है. अभी निकल रहे यहाँ से. हानले इज ओनली 75 odd kilometers, सो 3-4 घंटे का राइड है. लंच के लिए हानले पहुंचेंगे और उसके बाद होगा हानले का साइट सीइंग. लेट्स गो. चलो ये लोग हेलो को भी जूले बोलते हैं और बाय बाय को भी जूले बोलते हैं. चलो गाइस नेक्स्ट स्टॉप हानले. सी द व्यूज. बाय द वे ये पूरा राइड वंस अगेन पैरेलल टू इंडस रिवर. वे गांव के लिए 1 किलोमीटर अंदर आए थे, वापस जाने के बाद इंडस रिवर का फर्स्ट व्यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस राइड. पहले तो आर्यन वैली में बहुत सारी इंडस रिवर देख ली है. बाय द वे कल हमें बहुत तकलीफ हुई थी यहाँ पे होम स्टे ढूंढने में, क्योंकि रात को कुछ दिख नहीं रहा था और होम स्टेज के बोर्ड्स वगैरह भी प्रोमिनेंट नहीं है. लेकिन गांव में इस तरफ बहुत सारे होम स्टेज है. अभी सुबह सुबह योगेश गया था वो डक टेप ढूंढने के लिए, तब उसको दिखे. तो इफ यू आर कमिंग टू न्योमा डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. गाँव की हर गली सर्च करो, बहुत सारे होमस्टेज है. ईजिली दिखेंगे नहीं लेकिन है ज़रूर. एज आई सेड गाइस वी आर बैक ऑन द मेन रोड टू हानले एंड द एंटायर ग्रीनरी यू सी ऑन माई राइट दिस इज इंडस रिवर. यहाँ पे इंडस रिवर इज नॉट कंस्ट्रेंड टू अ लिमिटेड पाथ, पूरे प्लेन्स में स्प्रेड आउट है. इट लुक्स गॉर्जियस एंड इन द बैकड्रॉप यू हैव दोज स्नो क्लैड पीक्स. वेल आई सपोज अनदर 70 किलोमीटर्स ये ऐसा ही रोड रहने वाला है या फिर इससे और ख़राब भी हो सकता है. वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग 3-4 hours. टाइम राइट नाउ इज 11:30 इन द मॉर्निंग, सो अराउंड 3 o'clock वी शुड हिट हानले. लंच तो वही जाके करेंगे. ओह
सो लोमा बेंड जो चेक पोस्ट है वहाँ पे सारे परमिट्स फिर एक बार चेक हुए. 21 किलोमीटर्स डन, 50 ऑड मोर. लुक एट दिस, ऑलमोस्ट पूरी पहाड़ी सैंड से कवर हो चुकी है. दिस इज अ यूनिक स्पॉट. दिस साइड द एंटायर माउंटेन इज कवर्ड विथ सैंड एंड ऑन दिस साइड द एंटायर माउंटेन इज कवर्ड विथ स्नो. दिस इज लद्दाख. सो एज इट टर्न्स आउट न्योमा से लोमा तक 20 किलोमीटर्स थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ रोड था और लोमा का वो चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद जो ये ऐसा टारमैक मिला है बस वो अभी तक ऐसा ही है और यहाँ रुकना ही पड़ेगा. पता है क्यों? इसका फोटो लेने के लिए. ब्राउन, येलो, मरून, रेड सब हो गया. अभी आ गया काला पहाड़. फिर एक अलग कुछ तो पता नहीं ये कैसे देखने मिल रहा है यहाँ पे. सी यहाँ पे भी बाकी पूरा पहाड़ ये मरूनिश येलो कलर है और यहाँ से इस तरफ इट्स टोटली ब्लैक. दोपहर के 1 बज रहे हैं अभी और इस टाइम पे भी जो ठंड है ना यहाँ पे. प्रियंका इज वेयरिंग 3 लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स प्लस राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट. आई एम वेयरिंग माय थर्मल्स प्लस टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट फिर उसके ऊपर राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट. भरी दोपहर को भी ये विंड प्रूफ वाले ग्लव्स निकालने की इच्छा नहीं हो रही है बिकॉज इट्स बाइटिंग कोल्ड. Well, the best part is, road बहुत सही है and Hanle is just another 14 kilometers from here now. So, कहा था मैंने 3:30 बजे तक पहुँचेंगे लेकिन 1:30 बजे Hanle टच कर जाएंगे. We have a lot of time now. Just 2 kilometers now. What a feeling it is. It's almost like riding into another world. Beautiful. पूरे लद्दाख में जितने अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स और सीन्स देखे ना उन सबसे Hanle हटके है. Take my word. Hanle has to be on your list if you are planning to visit Ladakh. Okay, so that's the Hanle village aur wahi pe piche observatory bhi hai. This looks like the entrance to monastery. But abhi pehle gaon mein jayenge, lunch karenge, kisi homestay mein check-in karenge, luggage dalenge aur fir ghumne niklenge.
फाइनली अवतार चेंज करने का टाइम मिला है आज, क्योंकि सिर्फ 70 किलोमीटर्स का राइड था, उसमें से भी 50 किलोमीटर एकदम सिल्की स्मूथ रोड था। तो हार्डली 2 घंटे या 2.5 घंटे में पहुंच गए हानले। आधा दिन है अपने पास एज आई सेड, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स, किधर गया, देयर, दैट्स द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ओवर देयर, और दूसरी तरफ उस तरफ का ही तो मोनास्ट्री है। तो ऑब्जर्वेटरी मोनास्ट्री दोनों कवर करके आएंगे। राइट नाउ द टाइम इज 3:30 इन द आफ्टरनून, और ये मैडम मशाल लेके चालू, पेट्रोल डाल के चला दो इसको, ये भागते हुए जाने वाली है उधर तक, और हम बाइक पे जाने वाले हैं। लेट्स गो गाइस, वी हैव रीच्ड द हानले गोम्पा। गोम्पा मीन्स मोनास्ट्री ओवर हियर इन लद्दाखी लैंग्वेज। दिस इज द एंट्रेंस टू मोनास्ट्री, बट मोनास्ट्री में जाने से पहले आपको कुछ और दिखाना है। आई विल जस्ट टर्न अराउंड द कैमरा एंड यू सी दिस। सच एन अमेजिंग व्यू, and that's the road where we came from. Oh. कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि अगर लद्दाख जाते हो तो हानले ज़रूर करना, हानले मिस मत करना, और वो क्यों कहा था ना अभी पता चल रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ ऑफ माई लाइफ आई हैव एवर सीन। अभी और ऊपर जाके देखते हो ऊपर से कैसे दिखता है। दो मंजिल चढ़ के आने में सांस फूल गई है, बट द व्यू इज इक्वली रिफ्रेशिंग। आई शो यू द हानले विलेज फ्रॉम हियर, लुक एट दिस, वाव, जस्ट वाव, दैट्स द ऑब्जर्वेटरी ओवर देयर, सो ब्यूटिफुल। हानले मोनास्ट्री के व्यूज़ में इतना खो गए थे ना कि वहाँ से निकलते वक्त बताना भूल गया आपको। दैट्स द मोनास्ट्री ओवर देयर, एंड राइट नाउ वी हैव रीच द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। पार्किंग कर दी है बाइक्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आगे बाइक्स अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है। लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आने का, ऑब्जर्वेटरी देखने का समय इज रिस्ट्रिक्टेड टू 9:30 AM टू 11 AM इन द मॉर्निंग। इवनिंग टाइम था पहले, लेकिन कुछ अनटूवर्ड्स इंसिडेंसेस हुए, उसके बाद उन्होंने इवनिंग टाइम बंद कर दिया है। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं था, तो द ऑफिसर वॉज काइंड इनफ टू लेट अस गो एंड सी इन द इवनिंग टाइम। राइट नाउ इट्स अराउंड 5:00 इन द इवनिंग, वी आर गोइंग अप, बट अगर आप आ रहे हो तो डू रिमेंबर you have to visit this observatory between 9:30 to 11 in the morning only. Abhi filhal ke liye that's where we are going. Ab sabse bada task hai yahan se upar tak chadhna. We are at a height of around 15,000 feet or more, aur aise trekking yahan pe, ha, it's not easy. Guys, we are here inside the observatory right now. ऊपर जहाँ पे एक्चुअल टेलीस्कोप है वहाँ पे तो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। फोटोज अलाउड है, बट अंधेरा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। ऑलरेडी उतना चल के आने के बाद, चढ़ के आने के बाद, फिर यहाँ पे 3 फ्लोर्स या ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। हैंग हो चुका हूँ। ये जो सामने डोर है उसके अंदर टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप के बारे में डिटेल, उसका वर्किंग कैसा है, ये सब तो व्लॉग में बताने में मतलब नहीं है। यहाँ पे नीचे इनका वेबसाइट फ्लैश होगा, वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल सारे देख लो, बिकॉज यू विल गेट बेटर इन्फॉर्मेशन देन व्हाट आई कैन टेल यू ओवर हियर। उन्होंने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे, बट वो मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। लेट्स गो डाउन, बाहर से दिखाता हूँ आपको।
बाकी सब डिटेल्स तो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। राइट नाउ आई जस्ट चेक्ड इन द कंट्रोल रूम, अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, और टेलीस्कोप को ऑपरेट होने के लिए कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कूलिंग के लिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन। जस्ट इमेजिन कि वो मोटर कितना हीट हो जाओगा, 12 डिग्री में हम वैसे भी कूल हो चुके हैं। हाँ, दैट्स वन मोर थिंग, द टेलीस्कोप इज ऑपरेटेड ओनली एट नाइट्स, मतलब 0 डिग्री के नीचे ही होगा, और स्टिल इट नीड्स लिक्विड नाइट्रोजन फॉर इट्स कूलिंग। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे, इस टेलीस्कोप का नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, और यहाँ पे किसी भी साइंटिस्ट के होने की ज़रूरत नहीं है। बैंगलोर में बैठ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट वहाँ से इस पूरे टेलीस्कोप को ऑपरेट कर सकते हैं, एंड द इमेजेस दैट आर कैप्चर्ड फ्रॉम दिस टेलीस्कोप आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू बैंगलोर। और अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि एक सेल्फी निकाल के घर पे भेज नहीं सकते, बिकॉज BSNL 2G भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। दिस इज नॉट फेयर, कुछ करो, कुछ तो करो। ऑन द वे बैक टूवर्ड्स आर होम स्टे, लंच हुआ नहीं है आज, तो अभी जाके कुछ तो खाना है पहले। बाय द वे, दिस ऑब्जर्वेटरी हियर इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एंड देयर इज वन मोर टेलीस्कोप बीइंग इंस्टॉल्ड ओवर देयर, दैट इज बीइंग इंस्टॉल्ड बाय BARC। वो अभी ऑपरेटिंग नहीं है, बट दिस ऑब्जर्वेटरी इज इन ऑपरेशन सिंस द ईयर 2000, 19 साल हो गए। एंड बाय द वे, एज आई ऑलरेडी सेड, दिस इज वर्ल्ड्स सेकेंड हाइएस्ट सिचुएटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। वी आर बैक एट द होम स्टे, बहुत भूख लगी थी, दबा के मैगी खाई है। सनसेट अभी अभी हुआ है, यू कैन सी द शेड्स ऑफ गोल्ड ओवर देयर। एनीवेज, अब इंतज़ार है रात होने का, अंधेरा होने का, क्योंकि हानले ऑफ कोर्स इज़ फेमस फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं तारे देखने के लिए, तो अब बस इंतज़ार करेंगे, 8-8:30 बजे डिनर करेंगे, और उसके बाद जाके बैठेंगे यहाँ टेरेस पे। आज रात जम के एस्ट्रो फोटोग्राफी होगी और आपको देखने भी मिलेगी। दिस व्लॉग इज़ नॉट येट ओवर, क्योंकि सबसे बेहतर नज़ारे और यहाँ आने का जो मकसद है वो अभी आगे है। जाइएगा मत, एंड तक देखिए ज़रूर।